अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अकरम अली और आप देख रहे हैं टेक फॉर टेक। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं वीवो Y33T का वाटर टेस्ट। Y सीरीज़ जो है ये मिड रेंज सीरीज़ में आती है और इसके अंदर कोई भी ना IP रेटिंग आती है ना कोई ड्यूरेबिलिटी को लेके कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। तो यही वजह है कि हम लोग इस रेंज की डिवाइसेस को ज़्यादा टेस्ट आउट करते हैं कि अगर लोग उन्हें बाय करें तो उन्हें उनकी ड्यूरेबिलिटी का आइडिया हो। इस फ़ोन के फ़ीचर्स तो बहुत कमाल है, 50 मेगापिक्सल कैमरा है, बड़ी बैटरी है और भी काफ़ी कुछ है। और बाय द वे इसकी एक शॉर्ट्स की अनबॉक्सिंग भी मैंने बनाई है, वो मैं YouTube शॉर्ट्स पर डालूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। तो आज ज़रा वाटर टेस्ट करते हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है वीवो Y33T जो कि ब्रांड न्यू कंडीशन में है मेरे पास। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में ये बताता हूँ कि घर पे आपने कोई भी ऐसा टेस्ट परफॉर्म नहीं करना बिकॉज दिस कुड बी डेंजरस एंड डिस्ट्रॉय योर फ़ोन। तो टाइमर हमारा हो चुका है सेट और पानी जो है हम इसके ऊपर डालना शुरू हो गए हैं और तब तक डालते रहेंगे जब तक कि ये फ़ोन पूरा उसके अंदर डूब नहीं जाता। तो 60 सेकेंड का ये टेस्ट करेंगे हम लोग। मैं ज़रा क्विकली आपको रन डाउन देता चलूँ वीवो Y33T के स्पेक्स का। तो 6.58 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। 83.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। यहाँ पे ये जो वेरिएंट है मेरे पास ये 8GB 128GB है। फ़ोन के अंदर जो कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। आपके पास यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 जो कि एक 4G प्रोसेसर है वो है। उसके साथ आपको यहाँ पे एंड्रॉयड 11 और फन टच 12 देखने को मिलता है। 5000 mAh की बैटरी है और उसके अलावा जो फ़ोन का ये जो कलर है ना, ये जो गोल्ड कलर है ये काफ़ी मज़े का है। फ़ोन हल्का है और यूज़ेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़े का फ़ोन है। तो हमारा एक मिनट जो है वो तकरीबन कंप्लीट हुआ जाता है। टाइमर को हम रोकते हैं, फ़ोन को बाहर निकालते हैं, साफ़ करते हैं और फिर बाकी बात करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस फ़ोन की कोई IP रेटिंग नहीं है, तो सबसे पहले ज़रा हम इसका टच चेक करते हैं। तो इसका जो टच है इट लुक्स स्मूथ, हमारे कोई लैग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और डायल पैड पे हम ज़रा काफ़ी सारे नंबर्स भी डायल करते हैं ताकि हमें स्क्रीन स्पेस का आइडिया हो कि कहीं से हमें कोई प्रॉब्लम देखने को तो नहीं मिल रही। उसके बाद हम इसका कैमरा चेक करेंगे क्योंकि हम यूजुअली फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि अगर कहीं पे कैमरा में कोई इशू है या सेंसर के अंदर पानी चला गया है तो आपको वो जो है वो इमेज में भी डार्क स्पॉट या कुछ ऐसा दिखाई देता है। बट Y33 लुक्स गुड सो फार। फर्दर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हम फ़ोन का साउंड टेस्ट करते हैं। और आप लोग ना वाटर टेस्ट जैसे ही ख़त्म होता है वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, वीडियो को एंड तक देखा करें कि अक्सर आपको फिर पता चल जाए कि क्या सीन है। तो साउंड टेस्ट करते हैं। साउंड भी बिल्कुल ठीक है और इसका टच भी बिल्कुल ठीक है, कैमरा भी बिल्कुल ठीक है। बाय द वे अगर आप लोग सर्च करके आए हैं और आपके पास भी Y33T है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। नेक्स्ट अप है वी हैव चार्जिंग टेस्ट और उसको हम ज़रा देख लें मल्टीपल ट्राइज करके कि क्या ये फ़ोन जो है वो चार्ज हो रहा है। तो हमारे पास जो चार्जिंग का आइकन है वो शो हो रहा है, फ़ोन चार्ज भी कर रहा है। मैं ज़रा जो इसका प्रॉपर बैटरी नोटिफिकेशन है फुल पेज वो आपके लिए ओपन कर लूँ ताकि आप नोटिफिकेशंस को प्रॉपर्ली देख सकें। तो ये आप देखें कि जो वीवो Y33T है ये प्रॉपर्ली चार्ज हो रहा है। तो ओवरऑल दिस इज़ अ गुड ड्यूरेबल डिवाइस एंड आई मस्ट से कि कंपनीज़ हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, स्पेशली वीवो, के कोई IP रेटिंग नहीं भी है फिर भी फ़ोन वाटर डैमेज को सर्वाइव कर गया है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।